आज मुझे ऑफिस से आने में हो गई है थोड़ा सा देर, मगर लग गई है बहुत जोरों की भूख और मेरी सैनी ने आज कुछ मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रखा है। तो ये उसने निकाल के रखा हुआ है सामान, तो अभी देखता हूँ कि वो क्या बना रही है आज। ये देखिए, यहाँ हो रखी हैं तैयारियाँ और पता नहीं क्या बना रही है आज। कुछ इंडो चाइनीज सा कुछ बन रहा है लग रहा है, क्योंकि इसने काफ़ी वेजीज काट रखी हैं और साथ में पनीर दिख रहा है मुझे, यहाँ सोया सॉस भी दिख रहा है, विनेगर भी दिख रहा है, सेसमी सीड्स आई कैन सी, और ये लहसुन की कलियाँ, साथ में लाल मिर्च। तो ये है भाई सरप्राइज, ये बन रहे हैं आज फ्राइड राइस। तो ये गया कढ़ाई में तेल, और ये है इनका सीक्रेट, तेल के साथ मक्खन। मुझे सच में पता भी नहीं था कि ऐसा भी होता है। ये इधर पनीर कटने लगा है, ये बन गए हैं पनीर के क्यूब्स, और मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितना लालच आता है पनीर कटते हुए देख के खाने का, पर मेरी निर्दयी सैनी को मुझ पर तरस नहीं आता और वो एक पीस मुझे नहीं खिलाती है। तो पनीर हो रहा है फ्राई, ये फ्राई होने की आवाज सुनो आप। ये होने लग गया है देखो पनीर का कलर चेंज, और क्योंकि हम दोनों को ही बहुत ज़्यादा कुरकुरा पनीर पसंद नहीं है, तो हम बस इसको अब निकाल देंगे। अब होंगी ये सब्जियां फ्राई, लहसुन गया इसमें, देखिए अब जाएगा अदरक, और ये आया प्याज, अब जैसा कि आपको पता ही है ये थोड़ी देर होगा फ्राई। प्याज हो गई है हमारी, और अब इसमें आएंगी बाकी की वेजेस। ये आ गई गाजर, ये आ गई है ब्रोकली, और ये बीन्स, और लास्ट में आएगा हरी मिर्च आ गई है तड़का असली, और अभी इसमें आने हैं चुकंदर यानी कि बीट रूट, और इसके पहले आ रही है थोड़ा सा कैबेज, बंद गोभी। कलर देखिए क्या सुंदर कलर आ रहा है, ये आ गया इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, अब थोड़ा डल रही है हल्दी। देखो बिना हल्दी के तो इंडिया में कुछ नहीं बनता, चाहे आप चाइनीज बना रहे हो चाहे आप इटालियन बना रहे हो। ये आ गई थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा आ रही है इसमें काली मिर्च, ये देखिए वेजीज हो गई हैं तैयार। अब इसमें पड़ रहा है राइस, कलर देखिए आप कलर, हाँ ये तो देखने में ही यम लग रहा है, खाने में तो अभी मेरे मुंह से आ गया है पानी, क्या आपके मुंह से भी आ रहा है पानी, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। अब इसमें आ रहे हैं सॉसेज, ये आया सोय सॉस, ये आ रहा है विनेगर, हाँ ये विनेगर डलते ही ना
जो खुशबू आई है मेरे नथुनों में, मज़ा ही आ गया है। अब हो रहा है इसको मिक्स इट, कम ऑन मिक्स इट। अब इसमें एक इंग्रेडिएंट और डल रहा है जो मैंने तब बोला था, बीटरूट यानी कि चुकंदर। और आप लोग सोच रहे होंगे वो पनीर कहाँ गायब हो गया, सब मेरे पेट में तो नहीं चला गया? नहीं भाई, अब वो आएगा। ये देखो, एक चीज मैंने आपको और दिखाई थी, वो थी सेसमे सीड्स यानी कि काले तिल, ये आ गए हैं ऊपर से। ये आ गए हैं प्लेट में लग के। तो चलिए अब इसको टेस्ट करके देखते हैं ये बना कैसा है। सच में कमाल बनाया है, बहुत ही बढ़िया। लेट मी टेक अनदर बाइट। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। जियो मेरी श्रेणी, मजा आ गया। देखिए इसमें इतनी चीजें डली हुई हैं, मगर मैं लिटरली हर एक स्वाद को अलग अलग महसूस कर पा रहा हूँ, क्योंकि कोई भी टेस्ट जो है ना चीजों के वो मिक्स नहीं हुए। इतना बढ़िया हो रहा है हर चीज, और जो क्रंचीनेस है वेजिटेबल्स की उसमें आपको मजा आ जाएगा। जो च्यूई हो रहा है पनीर, वो अलग फ्लेवर दे रहा है, और इसमें साथ में ये मोइटो, ये इसको कहते हैं ना सोने पे सुहागा, यानी कि चार चांद लगा रहा है। वाह। तो देखिए ऐसे ही डिशेस के रिव्यूज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा जो मैंने पूछा है।